अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप कि सारे अच्छे से हैं घरों में। तो आज एक और नया लेक्चर लाया है मैंने फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन डाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन डाइजेशन में जो भी प्रीवियस लेक्चर्स थे, ह्यूमन डाइजेशन में हमने कम्प्लीट किया था, एक तो हमने माउथ कम्प्लीट किया था, दैट मीन्स ओवरऑल जो बकल कैविटी है वो हमने कम्प्लीट की थी अप टू द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो उसके बाद हम चलेंगे आज, तो दैट मीन्स आज हम फायरिंग से स्टार्ट करेंगे। और एक तो फायरिंग हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद फूड पाइप दैट मीन्स ईसोफेगस हम ख़त्म करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि अप टू स्टोमक हम ख़त्म करें, क्योंकि देखो इसमें मैं थोड़ा, अगर मैं ऑफलाइन होता तो ऑफलाइन हम जल्दी ख़त्म कर पाते, बट इसमें मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं लिटिल बिट डेप्थ में ले रहा हूँ, जैसे कि कुछ कुछ पार्ट्स में थोड़ा सा डेप्थ में ले लूंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं टुवर्ड्स द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कल हमने अप टू सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ा था, तो आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज माउथ, और ये माउथ से फिर क्या निकलती है, यहां से एक मस्कुलर कॉनिकल ट्यूब जैसा होता है, दैट ट्यूब इज नोन एज फायरिंग्स। देखो ये फायरिंग्स है, और ये फायरिंग्स जो है, देखो फायरिंग्स तीन हिस्सों में बटा है। Firing is divided into three parts. एक short सा ट्यूब होता है firing. ये nostrils है, nostrils, external nostrils से दो ट्यूब्स निकल गए, और ये ट्यूब्स इंटरनली रन हो गए, और ये कहाँ पर ओपन हो गए, ये external nostrils, firing में। और जहां पर ये ओपन हो गए ये nostrils firing में, उस रीजन ऑफ फायरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, नैसोफैरिंक्स बोलते हैं। तो दैट मींस जो फायरिंग्स है, फायरिंग्स क्या है, फायरिंग्स एक स्मॉल टेब्यूलर कून लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो फायरिंग्स है ये बकल कैविटी के बाद निकलता है। तो बकल कैविटी के बैक साइड पर फायरिंग्स होता है। ये बकल कैविटी है, दिस इज बकल कैविटी, और बकल कैविटी के बैक साइड पर जो रीजन आता है, दैट इज नोन एज फायरिंग्स। फायरिंग्स के तीन पार्ट्स हैं। दिस द फर्स्ट पार्ट, जहां पर ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स ओपन अप होते हैं, दिस इज नोन एज नैसोफैरिंक्स रीजन, इसको हम नैसोफायरिंक्स कहते हैं। उसके बाद द सेकेंड रीजन, जिसमें ये बकल कैविटी कंप्लीटली ओपन हो जाती है, जिसमें डायरेक्टली फूड जाता है, तो दैट रीजन इज नोन एज ओरोफैरिंक्स। और उसके बाद एक और रीजन आता है फैरिंक्स का, जहां पर हमारा ये वॉइस बॉक्स भी होता है, तो उस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लैरेंजियोफायरिंक्स। तो तीन रीजन है फायरिंग्स के, नैसोफैरिंक्स, ऑरोफैरिंक्स एंड लैरेंजियोफैरिंक्स। तो फैरिंग्स क्या है, एक सिंपल मस्कुलर, एक मस्कुलर ट्यूब होता है, ये स्मॉल टेब्यूलर कून मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये कून लाइक होता है, ये ऊपर से इट इज कून लाइक मस्कुलर होता है, अंदर से खाली होता है, और ये छोटा होता है। तो दिस फायरिंग्स इज स्मॉल, इट इज कून लाइक, इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, present on the back side of pharynx, ye back side of the pharynx, ye on present on the back side of buccal cavity ke piche ye hota hai. teen regions hai isme, nasopharynx, to nasopharynx jo hai na pharynx ke teen region hai, to nasopharynx pehla wala region, nasopharynx. to nasopharynx kya hai, main likhunga yahan par nasopharynx ho gaya first region, first segment of pharynx. pharynx ka pehla segment kya hai, that is known as nasopharynx. in this part the internal nostrils open hote hain, internal nares,
मीन्स जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है वो अंदर ट्यूब रन होते हैं अंदर की तरफ, और वो कहाँ पर ओपन हो जाते हैं? फायरिंग्स के पहले सेगमेंट में, और इसीलिए उस सेगमेंट को हम बोलते हैं, फायरिंग्स के उस सेगमेंट को हम बोलते हैं नेसोफेरिंग्स, क्योंकि नेजल कैविटी ओपन होती है। ठीक है, तो इंटरनल लेयर्स ओपन ऑन द रूफ्स, ऑन द रूफ ऑफ फायरिंग्स, तो रूफ ऑफ फायरिंग्स पर ये ऊपर होते हैं। और यहां पर देखो, अगर मैं नेसोफेरिंक्स यहां पर बना दूं, दिस इज नेसोफेरिंक्स, और नेसोफेरिंक्स के यहां पर दो ओपनिंग्स आ गई, तो दैट मींस ये एक इंटरनल नॉस्ट्रल है और ये दूसरा इंटरनल नॉस्ट्रल है, दो ओपनिंग्स हो गई यहां पर। और देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर दो साइड में ऑन द वॉल्स, ऑन द वॉल्स ऑफ नेसोफेरिंक्स दो ट्यूब्स निकलते हैं, दो चैनल्स निकलती है जो टुवर्ड्स द मिडल ईयर जाती है। ये दो चैनल्स निकल गई और ये कहां जाती है? दी चैनल्स विल रन टुवर्ड्स द मिडल ऑफ ईयर्स, टुवर्ड्स द मिडल ऑफ ईयर्स, तो ये ईयर्स हैं, टुवर्ड्स द मिडल ऑफ ईयर्स ये जाते हैं। These two tubes ये arise होते हैं from nasopharynx के वॉल्स पर। तो from nasopharynx वॉल्स, from nasopharynx वॉल्स, तो nasopharynx वॉल्स से दो oval shaped tubes निकलती है। From nasopharynx वॉल्स two oval shaped, यहाँ openings है, oval shaped openings है, two oval shaped openings run, and these openings they run via tube into the towards the middle of the ear, run towards middle of the ear, towards middle of ear, तो ये middle of ear तक जाती है। और ये जो openings है oval shaped openings, ये एक tube बनाते हैं, जो ये tube कहाँ तक जाता है? middle of the ear तक जाता है। और इन tubes को हम Eustachian canals कहते हैं, these tubes are known as Eustachian canals, Eustachian canals जो है ये कहां तक जाती है? टुवर्ड्स द मिडल आती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि देखो जो इनसाइड एयर होता है, जो एयर आपने एयर आपको भी पढ़ना है आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो एयर में क्या होता है, एयर में एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये ट्यूब्स यहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि एयर का जो इंटरनल प्रेशर है उसको इक्वलाइज करने के लिए एटमोस्फेयरिक प्रेशर से, उसको इक्वलाइज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ यहाँ पर कुदरत ने दो चीजें हमें, दो ट्यूब्स दिए हैं, दैट ट्यूब्स आर नोन एज एस्टाचियन ट्यूब्स, और ये टुवर्ड्स द मिडिल ईयर्स जाते हैं, और इससे बैलेंस बन जाती है जो इनसाइड द प्रेशर होता है एयर का, जो इनसाइड द प्रेशर, इनसाइड द एयर होता है प्रेशर, और वो इक्वलाइज किसके साथ होता है? जो आउटसाइड गैसवस प्रेशर होता है, आउटसाइड एटमोसफेयर में जो प्रेशर है उसके साथ इक्वलाइज होता है। वरना अगर वहां पर अनइक्विलिब्रियम हो जाए, बैलेंस नहीं रह जाए बिटवीन द इंटरनल प्रेशर एंड द एक्सटर्नल प्रेशर, तो दैट विल लेड टू उसे क्या हो जाएगी, उससे जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज अंदर जो ड्रम होता है हमारा, ईयर ड्रम जिसको कहते हैं, वो बर्स्ट अप हो जाएगा। ठीक है, टाइम्पेनियम मेम्ब्रेन भी जिसे हम कहते हैं, तो वो बर्स्ट अप हो जाएगा, दैट विल लेड द डीफनेस। ठीक है, तो इसीलिए ये है। तो एस्टाचियन कैनाल्स का क्या रोल है? एस्टाचियन कैनाल्स दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द ईयर्स एंड आउटसाइड द ईयर्स, जो प्रेशर है दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ गैसेस, और इंटरनल ईयर में जो प्रेशर ऑफ गैसेस है उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए ये ट्यूब्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो एस्टाचियन कैनाल्स कहां से निकलती है? फ्रॉम नेसोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स के वाल से दो ट्यूब्स निकलती है, वो टुवर्ड्स द मिडिल ईयर्स जाते हैं, तो दीज कैनाल्स आर नोन एज एस्टाचियन कैनाल्स, और इनकी जो ओपनिंग होती है दैट्स ओवल शेप्ड ओपनिंग होती है इनकी। और भी एक चीज होती है यहां नेसोफेरिंक्स के वाल्स पर, टॉन्सिल्स, लिम्फाइड मास, यहां पर लिम्फाइड मास होता है, लिम्फाइड सेल्स का एक गुच्छा सा होता है, लिम्फाइड सेल्स का मास होता है वहां पर, जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। तो आपने पढ़े होंगे बहुत सारे टॉन्सिल्स आपके, हाँ, तो यहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल्स, जो हमारी टंग है ना, टंग टंग के बैक साइड में, टंग अगर मैं यहां पर बना दूं, टंग टंग, तो आप, हमने टंग तो पढ़ी है लेकिन मैंने उसमें ये बोला ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल ये जो बैक पोर्शन है ना, जहां पर ये सर्कमलेट
ये सरकम लेट टाप लिया है, तो यहां पर बैक साइड में मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए थे, तो दे आर बेसिकली लिंगुअल टॉन्सिल्स। उनको हम क्या कहते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं? बेसिकली टॉन्सिल्स होते हैं लिम्फाइड सेल्स, जो WBCs होती है हमारी, दैट मींस इम्यून सेल्स ही होती है, लिम्फाइड सेल्स, तो जिसमें जिसमें आती है बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो बेसिकली ये लिंगुअल टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स होते क्या है? बेसिकली टॉन्सिल्स होते हैं ये लिम्फाइड सेल्स का एक मास होता है। तो उसी तरीके से इन फायरिंग्स के वॉल्स पर लिम्फाइड सेल्स के मास होते हैं, तो जिनको हम क्या कहते हैं? एडेनॉइड्स। जिनको क्या कहते हैं? जिनको हम फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी कहते हैं, या उनको हम एडेनॉइड्स कहते हैं। तो उनको आप एडेनॉइड्स कहो, एडेनॉइड्स और फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी कह सकते हो। तो फायरेंजियल टॉन्सिल्स, तो फायरेंजियल टॉन्सिल्स क्या है? फेरेंजियल टॉन, व्हाट आर फेरेंजियल टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स? एडेनॉइड्स और फेरेंजियल टॉन्सिल्स सिंपली क्या होते हैं? ये लिम्फाइड मास होता है, ये लिम्फाइड सेल्स का एक गुच्छा होता है, मास ऑफ लिम्फाइड सेल्स होता है, जो बेसिकली किसके लिए होता है? जो बेसिकली हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है? इट्स बिकॉज़ क्योंकि इसमें जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स क्या होते हैं? इट्स मास ऑफ लिम्फाइड सेल्स, मास ऑफ लिम्फाइड सेल्स। तो मास ऑफ लिम्फाइड सेल्स होता है ये, और लिम्फाइड सेल्स क्या करती है? लिम्फाइड सेल्स हैज रोल इन, लिम्फाइड सेल्स का रोल किसमें होता है? लिम्फाइड सेल्स का रोल होता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। तो इसीलिए अगर किसी को टॉन्सिलाइट्स हो जाता है, टॉन्सिलाइट्स मींस उसके टॉन्सिल्स में जो लिम्फाइड मास है ये, अगर उसके टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है टॉन्सिलाइट्स इन टॉन्सिल्स को। तो अगर टॉन्सिल्स को इन्फ्लेमेशन आ गई ड्यू टू इन्फेक्शन, उसके बाद हम तो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर अगर फिर भी ये दवाई से ठीक नहीं हुआ, अगर इन्फ्लेमेशन इसको इन्फेक्शन हो गया लिम्फाइड मास को, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करता है हमें डिजीज से या किसी माइक्रोब से बचाने के लिए, लेकिन अगर खुद ही इसको क्या हो गया, अगर टॉन्सिल्स को खुद ही क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन में क्या हो जाता है? इनकी स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग से इनका जस्ट लाइक एज ए ट्यूमर हो जाता है, इनकी आउटग्रोथ हो जाती है। तो अगर अगर ये सिंपल सा इन्फेक्शन था तो वो दवाई से हो जाएगा ठीक, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन था, दवाई से ठीक नहीं हो गया, तो देन इट नीड्स द इमीडिएट सर्जरी। क्योंकि अगर फेरेंजियल टॉन्सिल्स को हमने उस टाइम रिमूव नहीं किया तो इट विल डेवलप इनटू ट्यूमर, इट विल, क्योंकि स्वेलिंग क्या होती है? बेसिकली ट्यूमर ही होती है, तो ट्यूमर में डेवलप हो जाएगा, तो ट्यूमर फिर मैलिगेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो मैलिगेंट ट्यूमर में जब ये कन्वर्ट हो गया दैट विल लेड टू द कैंसर, तो उसको हम लिम्फाइड कैंसर कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? बेसिकली ये लिम्फाइड सेल्स का बना होता है। तो अगर ट्यूमर हो गया इसको तो दैट विल अल्टीमेटली लेड टू कैंसर, एंड दैट कैंसर इज नोन एज लिम्फोइड कैंसर, लिम्फोइड कैंसर। इसीलिए हमें चाहिए होता है कि हम इसको जल्दी से रिमूव करें इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फेक्शन ज्यादा ज्यादा देर तक रहा, अगर वो दवाई से ठीक नहीं हो गया, ठीक है, अगर इसमें स्वेलिंग आ गई ज्यादा। तो ये तो पहला पार्ट था, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, दैट वाज नेसोफेरिंग्स। तो नेसोफेरिंक्स में आपने देखा कि नेसोफेरिंक्स में क्या होता है, जो नेजल कैविटी है वो ओपन हो जाती है थ्रू द इंटरनल नियर्स ऑन द रूफ ऑफ द फायरिंग्स। उसके बाद है द सेकेंड पार्ट इज ऑरोफेरिंक्स, ऑरो फायरिंग्स। देखो ये ऑरोफेरिंक्स, ऑरो वर्ड कहां से निकला है? ऑरल कैविटी से निकला है, ऑरल कैविटी दैट मीन्स बकल कैविटी, ठीक है? ऑरल कैविटी दैट मीन्स जो लिप्स से जो माउथ में जो कैविटी है दैट कैविटी इज नोन एज ऑरल कैविटी। और वो ऑरल कैविटी फिर कहां पर ओपन हो जाती है? वो बेसिकली ओपन हो जाती है डायरेक्टली इनटू किस में? इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ फेरिंग्स, दैट सेकंड पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज नोन एज ऑरोफेरिंक्स। देखो दिस इज द सेकंड पार्ट वायर द, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ फेरिंग्स वायर द ऑरल कैविटी ओपनस अप, तो इसको हम कहते हैं ऑरोफेरिंक्स। तो ऑरोफेरिंक्स इज द सेकंड पार्ट, ऑरोफेरिंक्स क्या है? इट इज द सेकंड पार्ट, मैं कहूंगा सेकंड सेगमेंट ऑफ फायरिंग्स, सेकंड सेगमेंट ऑफ फायरिंग्स। तो फायरिंग्स का सेकंड सेगमेंट है दैट्स ऑरोफेरिंक्स। इसमें होता क्या है? ऑरल कैविटी ओपनर्स, ऑरल कैविटी ओपनर्स इनटू दिस सेगमेंट, ओपनर्स इनटू दिस सेगमेंट।
तो इस सेगमेंट में ऑरल कैविटी ओपन हो जाती है, ठीक है यहां तक? चलो जी, यहां तक भी क्लियर हो गया आपको। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है फारिंग्स का। द लास्ट पार्ट ऑफ द फारिंग्स इज नोन एज लायरिंजियोफारिंग्स। देखो ये पहला पार्ट था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। यहां पर सॉफ्ट पैलेट की क्या थी? उल्वा थी, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। यहां पर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स थे। उसके बाद द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट जिसमें ऑरल कैविटी हमारी ओपन हो गई, दिस वॉज आवर ऑरल कैविटी। ये ऑरल कैविटी थी हमारी, ये ओपन हो गई इनटू द सेकेंड पार्ट, दैट इज नोन एज ऑरोफेरिंक्स। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है यहां पर, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ फेरिंक्स, दैट इज नोन एज लारेंजियोफेरिंक्स। और यहीं पर क्या होता है? हमारा वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है? जो ये हम देखते हैं ना, दिस एडम्स एप्पल, ये सी शेप्ड जो कार्टिलेज वहां पर होती है, ये बेसिकली पार्ट है किसका? इट्स अ पार्ट ऑफ वॉइस बॉक्स। तो यहां पर जो ये तीसरा सेगमेंट है, दैट सेगमेंट इज नोन एज लैरिंजियोफारिंक्स। तो लैरिंजियोफारिंक्स में क्या होता है? वॉइस बॉक्स, इट कंटेन्स वॉइस बॉक्स। और यहां पर लैरिंजियोफारिंक्स पर क्या हो जाता है? यहां पर जो ये फारिंक्स है, फारिंक्स बाइफर्केट हो जाता है दो ट्यूब्स में। अंदर देखो, अब ऐसे दो ट्यूब्स निकलते हैं। एक एंटीरियर ट्यूब होता है जो आगे की तरफ निकलता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा पोस्टीरियर ट्यूब होता है जो पीछे की तरफ निकलता है। तो जो पीछे का ट्यूब है, दैट इज नोन एज ओसोफेगस और फूड पाइप, ओसोफेगस और फूड पाइप जो पीछे की तरफ होता है। तो जो आगे की तरफ निकलता है, दैट ट्यूब इज नोन एज ट्रैकिया और विंड पाइप। तो लैरिंजियोफारिंक्स में फारिंक्स की बाइफर्केशन हो जाती है, फारिंक्स के दो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। जो ये वाला छेद है, दिस इज नोन एज ग्लॉइटस, ठीक है? और ये वाला छेद है, दिस इज नोन एज गुलेट, गुलेट और ग्लाइटस। और ये जो गुलेट है, गुलेट विल लेट टू दिस ओपनिंग विल लेट ओसोफेगस, गुलेट विल लेट ओसोफेगस एंड ग्लाइटस विल लेट टू ट्रैकिया, ठीक है? ट्रैकिया मींस विंड पाइप। तो यहां पर बीच में, यहां पर एक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, एक ढक्कन होता है। ये ढक्कन हमेशा किस पर होता है? गुलेट पर होता है। दैट मींस फूड पाइप पर हमेशा ही ये गुलेट होता है। ये बाइलोबुल होता है, कार्टिलेजनस होता है। दिस फ्लैप इज नोन एज एपिगुलाइटिस। एपिगुलाइटिस क्या होता है? इट इज कार्टिलेजनस फ्लैप। ये कार्टिलेजनस होता है, कार्टिलेज का बना होता है, और बाइलोबुल होता है, और ऐसे लिड जैसा हो, ढक्कन जैसा होता है। ये ढक्कन हमेशा किस पर होता है? हमेशा ये गुलेट पर होता है। दैट मींस जो फूड पाइप की ओपनिंग है ना ऊपर से, ये उसी पर होता है। तो नॉर्मली जब हम कुछ खाते वाते नहीं है, तो ये जो गुलेट है, ये हमें, ये गुलेट जो है, ये गुलेट बंद रहता है बाय द एपिग्लाइटिस। और ग्लाइटस हमेशा खुला रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यूसली हमारे लंग्स में चला जाता है। तो दैट मींस ग्लाइटस जो ओपनिंग है, ये ऑलवेज ओपन होती है। वाइल जो गुलेट होता है, जहां से ओसोफेगस निकलती है, वो हमेशा क्लोज ही होता है, जब तक हम कुछ खाए नहीं, जब तक हम कुछ स्वेलो नहीं करें, ठीक है? तो जो ही स्वेलोइंग हो जाती है, कुछ हमने खाया, तो जो ही फूड यहाँ पर पहुंच जाता है, तो ये जो एपिगुलाइटिस है, ये हट जाता है, कहां से? गुलेट से ये हट जाएगा, और ये ग्लाइटस पर आ जाएगा, और यहाँ से फूड ट्रांसफर हो जाएगा इन टू द ओसोफेगस। तो ये हो गए हमारे तीन पार्ट किसके? फारिंक्स के। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ये क्या है। बहुत ही ईजी है ये, आपने इसका आइडिया आपको पहले से ही होगा। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स अवर द ओसोफेगस, दैट मींस फूड पाइप। तो इसके बाद है ओसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, इट्स आल्सो नोन एज फूड पाइप। तो फूड पाइप जो है, फूड पाइप की ओपनिंग क्या है? लैरिंजियोफेरिंक्स से एक ओपनिंग निकलती है, दैट इज नोन एज ग्लाइटस, ये गुलेट। तो गुलेट इज एन ओपनिंग विच लेड्स टू ओसोफेगस। तो ओसोफेगस दैट मींस फूड पाइप, उसकी एक ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज गुलेट, ठीक है? अब देखो, ये जो ओसोफेगस है, ये भी एक मस्क्यूलर ट्यूब है, इट्स अ मस्क्यूलर ट्यूब,
ये भी एक मस्कुलर ट्यूब है, अंदर से खाली होता है और इसकी लेंथ लगभग 22 सेंटीमीटर की होती है, 22 सेंटीमीटर की होती है। और ये जो फूड पाइप है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पर बना, दिस फूड पाइप विल इट विल रन स्ट्रेट, ये फूड पाइप अब स्ट्रेट हो जाएगी और कहां जाएगी ये, इट विल रन इनटू द स्टोमक। ये 22 सेंटीमीटर की एक मस्कुलर ट्यूब जो है, दिस इज नोन एज ओसोफेगस एंड इट विल रन स्ट्रेट इनटू द स्टोमक। लेकिन जो ही ये स्टोमक पर जाएगी तो उस टाइम थोड़ा बहुत इसमें कर्वनेस आ जाती है और ये घुस जाती है किसमें, इनटू द स्टोमक। फॉर एग्जाम्पल हियर इज स्टोमक, तो ये स्टोमक हो गया, तो दिस इज ओसोफेगस। तो ओसोफेगस इज 22 सेंटीमीटर मस्क्यूलर ट्यूब, ये निकलता है लैरिंजियोफैरिंक्स से, लैरिंजियोफैरिंक्स से एक ओपनिंग निकलती है, दैट्स नोन एज ग्लैट, और ग्लैट विल लेट अ मस्कुलर ट्यूब व्हिच इज 22 सेंटीमीटर इन द लेंथ, और ये मस्कुलर ट्यूब स्ट्रेट जाके किस में जाएगा, एक पाउच, एक हॉलो मस्कुलर पाउच लाइक बैग में जाएगा, दैट्स नोन एज स्टोमक। लेकिन जो ये एंटर करता है स्टोमक में, तो ये क्या हो जाता है, इट गेट्स लिटिल बिट कर्वड, ठीक है। वो कर्वड क्यों हो जाता है वो बाद में हम देखेंगे। तो यहां पर ये किस में एंटर हो जाता है, स्टोमक में एंटर हो जाता है, ठीक है यहां तक। और देखो जो फूड है ना, तो इसकी फंक्शन क्या है ओसोफेगस की, इट कैरीज फूड, ये ऑरल कैविटी से फायरिंग्स से फूड को कैरी करते हैं और किस में डालती है फूड को, ये स्टोमक में फूड को डालती है। लेकिन अब ये कैसे, देखो अब ये कैसे फूड को मूव करती है, तो ये एक मस्कुलर आर्गन है, तो मस्कुलर आर्गन में एक मूवमेंट हो जाती है, दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टलिसिस, ठीक है। एक मस्कुलर मूवमेंट इसमें होती है, दैट इज नोन एज पेरिस्टलिसिस, और ये वेव लाइक मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे वेव लाइक मूवमेंट इसमें होती है, पेरिस्टलिसिस होता है, और पेरिस्टलिसिस के चलते चलते ये फूड को धकेलती है किसमें, इनटू द स्टोमक, ठीक है, पेरिस्टलिसिस हो जाता है इसमें, ठीक है। तो पेरिस्टलिसिस हो गया, पेरिस्टलिसिस क्या है ये आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आइडिया इसका दे रहा हूं। तो पेरिस्टलिसिस सिंपली एक मस्कुलर मूवमेंट है, और इस मस्कुलर मूवमेंट से जो फूड है ये ओसोफेगस के थ्रू स्टोमक में एंटर होता है। तो कभी कभार क्या हो जाता है, फूड यहीं पर अटक जाता है, अगर किसी का फूड यहीं पर अटक गया ना, दैट मीन्स चोक, हम उसको कहते हैं कि बस एक, चलो जो यहीं पर अगर किसी का फूड फूड अटक गया, वो स्टोमक में नहीं गया, तो उसको लगता है कि मैं अभी मर जाऊंगा, हाँ, तो दैट इज नोन एज कार्डियक, दैट इज नोन एज एकार्डिया, एकार्डिया, ठीक है, कार्डियक एक्लेशिया भी उसे कहते हैं। तो कार्डियक एक्लेशिया दैट इज यहाँ पर जब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब ये जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस ब्लॉक हो जाएगी नीचे जाके, तो नीचे जाके ये ब्लॉक होगी, दैट इज नोन एज कार्डियक एक्लेशिया, कार्डियक एक्लेशिया वो हो गया, ठीक है। अब ये तो ओसोफेगस थी, अब ओसोफेगस को छोड़ के अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द स्टोमक। अब देखो स्टोमक क्या है, नाउ स्टोमक, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टोमक नाउ। तो चलिए जी स्टोमक पर हम आ गए। नाउ स्टोमक जो है, स्टोमक के देखो स्टोमक क्या है, एक हॉलो ऑर्गन है, ठीक है, इट इज सिंपली है हॉलो ऑर्गन, जो स्टोमक होता है ये सिंपली होता है, हॉलो ऑर्गन ही होता है। और देखो मेन ये एक मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो स्टोमक क्या है, इट इज सिंपली, अगर मैं यहां पर लिखूंगा, इट्स अ हॉलो ऑर्गन, ये हॉलो ऑर्गन है, स्टोमक इज हॉलो ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन है, ये हॉलो ऑर्गन है, अंदर से खाली होता है। ये सिचुएटेड कहां पर होता है, मैंने आपको कहा था कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो सीलोम है अंदर से खाली है ड्रम जैसा, लेकिन उस सीलोम को डायफ्राम जो है, डायफ्राम ने इसको डिवाइड किया है इनटू थोरैसिक रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन। तो यहां पर फॉर एग्जांपल दिस इज डायफ्राम,
और ऊपर का रीजन हो गया हमारा थोरैसिक रीजन, वाला जो नीचे का रीजन हो गया दैट इज एब्डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर डायफ्राम के बिलो, डायफ्राम जो यहाँ पर है ऊपर लंग्स वंग्स होते हैं, लंग्स वंग्स हार्ट वार्ट थोरैसिक रीजन में होते हैं, लेकिन डायफ्राम के नीचे ही एक लेफ्ट साइड में, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड यहाँ पर होता है हमारा स्टोमक। दिस इज आवर स्टोमक, ये स्टोमक हमारा होता है बिलो द डायफ्राम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बिलो डायफ्राम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो बिलो द डायफ्राम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक हॉलो ऑर्गन होता है, दैट हॉलो ऑर्गन इज नोन एज स्टोमक। तो स्टोमक की जो फिगर है ये यहाँ पर दी है मैंने, मैंने बना दिया है। अब देखो डायफ्राम, ये जो स्टोमक है ना, स्टोमक अगर ये अभी रेस्ट में है, ठीक है, अभी इसमें कोई फूड वूड नहीं गया है, तो रेस्ट में इसमें कैपेसिटी कितनी है, रेस्ट में कि इसमें कितना आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर से खाली है, तो इसमें अगर खाली है ये ठेले जैसा है तो इसमें कुछ आएगा, तो रेस्ट में इसमें आता है 50 ml एट रेस्ट, एट रेस्ट इसमें लगभग 50 ml ऑफ फूड आएगा, लेकिन उसी रेस्ट में ये थोड़ा सा एक्सपैंड भी करेगा, जब इसमें फूड आएगा तो इट विल एक्सपैंड अप टू 1.5 ml। तो 1.5 ml, 50 ml से लेकर 1.5 ml इसमें फूड आ सकता है, चाहे वो लिक्विड हो सॉलिड हो, 1.5 ml, 50 ml से लेकर 1.5 ml, दैट मींस 1 लीटर एंड 500 ml इसमें आ सकता है फूड, चाहे वेदर दैट फूड इज सॉलिड और लिक्विड। लेकिन जब ये पूरी तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा, व्हेन इट गेट्स फुली एक्सपैंडेड, तो लगभग 4 लीटर्स, 4 लीटर्स इसमें फूड होता है अपॉन फुल एक्सपेंशन, अपॉन फुल एक्सपेंशन। तो दैट मीन्स इसमें लगभग टोटली 4 लीटर्स ऑफ फूड आ सकता है, इट कैन, इट हैज द कैपेसिटी टू अकोमोडेट 4 लीटर्स ऑफ फूड अपॉन फुल एक्सपेंशन। यहां तक क्लियर है? गुड। तो हॉलो ऑर्गन है, अंदर से खाली है, तो इसमें लगभग 4 लीटर्स आएंगे अपॉन फुल एक्सपेंशन, लेकिन नॉर्मली इसमें आता है 1.5 ml, या उससे बहुत ही ज्यादा रेस्ट में इसमें 50 ml से स्टार्ट होता है, अप टू 1.5 ml नॉर्मल में इसमें ये होता है क्या कैपेसिटी, लेकिन अपॉन फुल एक्सपेंशन इसमें लगभग 4 लीटर्स ऑफ फूड आ जाता है। अब देखो, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। देखो आप ये जो पार्ट देख रहे हो ना, दिस पार्ट ऑफ द स्टोमक इज नोन एज, दिस डूम शेप्ड पार्ट इज नोन एज फंडस। तो फंडस क्या है? इट्स अ डूम शेप्ड पार्ट, गोला जैसा ऊपर से ये सेमी सर्कुलर होता है, आर्क जैसा होता है, तो डूम शेप्ड इसको हम कहते हैं। तो डूम शेप्ड पार्ट जो अबव द ओसोफागस ओपनिंग, यहाँ पर ओसोफागस ओपन होती है, तो ओसोफागस की ओपनिंग के ऊपर थोड़ा सा होता है ये पार्ट, दिस इज नोन एज फंडस, डूम शेपर्ड पार्ट होता है ये। और यहां पर जो ओसोफेगस, अगर स्टोमक, ओसोफेगस स्टोमक में ओपन हो रही है, तो जहां पर ये ओसोफेगस स्टोमक में ओपन हो जाएगी, दिस पार्ट इज नोन एज कार्डियक पार्ट। तो दिस इज नोन एज कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट। तो व्हाट इज कार्डियक पार्ट? कार्डियक पार्ट इज दैट पार्ट ऑफ द स्टोमक जहां पर ओसोफेगस ओपन हो जाती है। तो कार्डियक पार्ट सिंपली वो पार्ट है स्टोमक का जहां पर ओसोफेगस ओपन हो जाती है स्टोमक में। और फंडस कौन सा पार्ट है? फंडस वो वाला पार्ट है ओसोफेग, ये फंडस वो वाला पार्ट है स्टोमक का जहां, जो अबो कहाँ होता है, जो अबव द ओसोफेगल ओपनिंग, जो जहां पर ओसोफेगस ओपन हो जाती है, अबव द कार्डियक पार्ट एक डूम शेपर्ड पार्ट होता है, दैट डूम शेपर्ड पार्ट इज नोन एज फंडस। तो डूम शेपर्ड पार्ट होता है फंडस जो अबव द कार्डियक पार्ट होता है। और देखो अब ये वाला पार्ट, नाउ दिस पार्ट द मोस्ट, दैट मीन 75% टू 85% ऑफ द स्टोमक, दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी। तो बॉडी और कॉर्पस भी हम इसको कहते हैं, कॉर्पस आर बॉडी। तो कॉर्पस आर बॉडी इट मेक्स 80% ऑफ द स्टोमक। तो 80% ऑफ स्टोमक कंस्टिट्यूट्स द बॉडी पार्ट। तो 80% स्टोमक किसका होता है? दैट मींस दैट कंस्टिट्यूट द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट ही 80% ज्यादा, सबसे लंबा वाला पार्ट यही होता है बॉडी पार्ट। तो कार्डियक पार्ट एक है,
फंडस एक है, बॉडी एक है, और यहां पर देखो दिस इज द पाइलोरिक पार्ट, ये हो गया हमारा पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। अब देखो पाइलोरिक पार्ट जो है, पाइलोरिक पार्ट में, पाइलोरस में दो पार्ट्स होते हैं, जो पाइलोरिक रीजन है ना, तीन, देखो कार्डियक रीजन है, कार्डियक पार्ट, फंडस, बॉडी, और उसके बाद है पाइलोरस। पाइलोरस जो रीजन है, पाइलोरस रीजन में दो पार्ट्स आते हैं, एक तो एंट्रम आता है, दिस इज एंट्रम, तो यहां पर एंट्रम है, और ये है पाइलोरिक कैनाल, दिस इज पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। यहां पर पाइलोरिक कैनाल है, और यहां पर देखो एक एंगल सा बन जाता है, ये जो बॉडी है ना, बॉडी टैपर हो जाती है, और यहां पर एक एंगल बन जाता है जिसको हम इन स्कैरिया एंगुलस, जो बॉडी और पाइलोरस के दरमियान एक, दैट मीन्स जो बॉडी है ना, ये बॉडी और एंट्रम के दरमियान जो जंक्शन होती है, दैट इज नोन एज इंसुसेरिया एंगुलस। तो इंसुसेरिया एंगुलस, ये दिस इज इंसुसेरिया एंगुलस, यहां पर दिस इज नोन एज इंसुसेरिया एंगुलस, यहां पर इंसुसेरिया एंगुलस, यहां पर लिखूंगा इन सु सूर्या एंगुलस, एंगुलरस। तो इन सु सूर्या एंगुलस क्या है, इट इज द जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड एंट्रम। तो बॉडी और एंट्रम के दरमियान जो जंक्शन आता है, एंगुलर जंक्शन आता है, जो ये बॉडी है, और यहां पर ये बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी पतली पतली होने लगती है, तो जो जो ये पतली पतली होने लगती है, तो यहां पर एक एंगल जैसा बन जाता है, तो दैट एंगल इज नोन एज इंसुसूरिया, इंसुसूरिया एंगुलरस, और यही इंसुसूरिया एंगुलरस ही एंट्रम होता है, इज द एंट्रम, दैट मींस जो टेल ऑफ द बॉडी है, टेल, जो बॉडी का टेल है, दैट इज नोन एज एंट्रम, और एंट्रम और बॉडी के दरमियान ये जो जंक्शन यहां पर क्रिएट हो रहा है, दैट जंक्शन इज नोन एज इंसुसूरिया एंगुलरस। तो इंसुसूरिया एंगुलरस क्या कहेंगे हम, इट इज द जंक्शन, जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड एंट्रम, तो बॉडी और एंट्रम के दरमियान एक कनेक्शन आता है, एक जंक्शन आता है, एंगुलर जंक्शन आती है, उस एंगुलर जंक्शन को हम इनसुसूरिया एंगुलरस कहते हैं। और देखो यही एंट्रम फिर क्या हो जाता है, यही एंट्रम फिर आगे आगे जाके एक कैनाल बनाता है, दिस कैनाल इज नोन एज पाइलोरिक। तो यहां पर पाइलोरिक कैनाल हो गई, दिस नैरो कैनाल इज नोन एज पाइलोरिक कैनाल, और इस पार्ट को हम पाइलोरिक पार्ट भी कहते हैं। तो पाइलोरिक कैनाल हो गई यहाँ पर, और ये जो पाइलोरिक कैनाल है ना, ये नैरो होती है, और यहाँ पर जो ही ये पाइलोरिक कैनाल अब आगे जाती है, तो ये आगे जाके किससे कनेक्ट होती है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज डड्यूनियम। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाती है डड्यूनियम के साथ। तो डड्यूनियम के साथ कौन सा स्टोमक का पार्ट कनेक्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टोमक कनेक्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक, दैट इज विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज नोन एज ड्यूडेनियम। लेकिन जहां पर ये ड्यूडेनियम के साथ मिलता है, ये पाइलोरिक कैनाल जहां पर ये ड्यूडेनियम के साथ मिलती है, वहां पर एक लिड होती है, वहां पर एक ढक्कन होता है, ये पाइलोरिक कैनाल का एक ढक्कन होता है, यहां पर फॉर एग्जांपल दिस इज द ढक्कन ऑफ पाइलोरिक कैनाल, ये पाइलोरिक कैनाल का ढक्कन है, जिस ढक्कन को हम स्पिनिस्टर कहते हैं, पाइलोरिक स्पिनिस्टर। तो पाइलोरिक स्पिनिस्टर एक ढक्कन होता है जो एट द बाउंड्री होता है, एट द बाउंड्री वायर द पाइलोरिक कैनाल इज जॉइनिंग, जहां पर पाइलोरिक कैनाल किसके साथ ज्वाइन हो रही है, पाइलोरिक कैनाल ज्वाइन हो रही है विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनियम। तो यहां पर एक लिड होती है, एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्पिनिस्टर। और ये पाइलोरिक स्पिनिस्टर जो है, ये जो ढक्कन है, ये ऑलवेज ओपन होता है, कहां की ओर ओपन होता है, ये ऊपर की ओर ओपन नहीं होता है, ये टुवर्ड्स द ड्यूडेनियम ओपन होता है। तो अगर ये ढक्कन ऐसे है, तो ढक्कन कहां की तो ओर ओपन हो जाएगा, ड्यूडेनियम की ओर ओपन हो जाएगा, अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा टुवर्ड्स द ड्यूडेनियम। तो यहां पर पाइलोरिक कैनाल में एक स्पिनिस्टर होता है, ये स्पिनिस्टर कहां की तरफ ओपन होता है, टुवर्ड्स द ड्यूडेनियम, ठीक है। तो पाइलोरिक कैनाल हो गया, इंसुसूरिया एंगुलरस हो गया, एंट्रम हो गया, कार्डियक पार्ट, देखो अब कार्डिक पार्ट की बात करते हैं, तो कार्डिक पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक है, और यहां पर क्या होता है, कार्डिक पार्ट में ओसोफेगस ओपनस इनटू द कार्डिक पार्ट, तो सिंपली यहां पर लिखूंगा मैं ओसोफेगस ओपनस, द पार्ट एट विच, द पार्ट ऑफ द स्टोमक एट विच द ओसोफेगस ओपनस। तो यहां पर ओसोफेगस ओपन हो जाती है स्टोमक में, और इस पार्ट को हम कार्डिक पार्ट कहते हैं।
और इसी कार्डिक पार्ट में जो ही ये ओपन हो जाती है ना, ये ओसोफेगस स्टोमक में, यहाँ पर एक ढक्कन होता है और वो ढक्कन जो है उसको हम कार्डिक स्पिनिस्टर कहते हैं। हियर इज अ कार्डिक स्पिनिस्टर। तो ये कार्डिक स्पिनिस्टर है, दिस इज कार्डिक स्पिनिस्टर। अब देखो कार्डिक स्पिनिस्टर का अहम रोल है यहां पर। कार्डिक स्पिनिस्टर करता क्या है, दोनों स्पिनिस्टर का, चाहे पाइलोरिक स्पिनिस्टर हो या कार्डिक स्पिनिस्टर हो, तो जो ही फूड आएगा किसमें, स्टोमक में फूड आएगा थ्रू द ओसोफेगस और कार्डिक पार्ट के थ्रू स्टोमक में आएगा। ठीक है, तो जो ही फूड अंदर आ जाता है उसके बाद, जब फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खाया, तो उसके बाद ये कार्डिक स्पिनिस्टर जो है ये बंद हो जाएगा। तो ढक्कन ऊपर से भी बंद हो गया और ये ढक्कन जो पाइलोरिक स्पिनिस्टर है ये नीचे से भी बंद हो जाएगा जो ही इसमें फूड आ गया, क्योंकि ना तो ये पाइलोरिक स्पिनिस्टर ओपन हो जाएगा, ये अभी अभी इस पे कोई एसिड वैसे नहीं गिरा है, मैकेनिकल चर्निंग नहीं हुई है इस फूड की, तो दैट मींस ये उस मैकेनिकल अनमैकेनाइज्ड जो फूड है अभी उसमें मैकेनिकल डाइजेशन नहीं हुई है, ये उस फूड को बाहर नहीं जाने देगा, ना ही ये स्पिनिस्टर उस फूड को वापस जाने देगी इनटू ओसोफेगस। ठीक है, इसलिए ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ फूड। बैक फ्लो ऑफ ये कार्डिक स्पिनिस्टर प्रोवाइड करता है बैक फ्लोइंग ऑफ फूड इनटू द ओसोफेगस, और ये पाइलोरिक स्पिनिस्टर क्या करता है, ये भी प्रिवेंट करता है दैट अभी उसमें जो काइमिक फूड अभी बना नहीं है उस फूड को ये रोकता है कहाँ से जाने के, कहाँ तक जाने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए। तो यहाँ पर फिर एचसीएल निकलेगा, उसकी मैकेनिकल डाइजेशन हो जाएगी, मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड हो जाएगा, वो काइम में कन्वर्ट होगा, तो बोलस अभी आया, बोलस फिर कन्वर्ट हो जाएगा इंटर काइमिक फूड, एसिडिक फूड में, तब जाके ये पाइलोरिक स्पिनिस्टर ओपन हो जाएगा, और जो ही ये ओपन हो जाएगी तो ये सारा कंटेंट किसमें जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो स्टोमक एम्प्टी हो जाएगा, तब जाके ये कार्डिक स्पिनिस्टर फिर से ओपन हो जाएगी। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, किसी इंसान का जो कार्डिक स्पिनिस्टर है ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ होता है, तो उसमें एक चीज हो जाती है, उसमें बैक फ्लो ऑफ फूड हो जाता है। तो बैक फ्लो ऑफ फूड मीन्स फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे उसने कभी ज्यादा ही खाया कभी, तो जो कार्डिक स्पिनिस्टर है, कार्डिक स्पिनिस्टर फुली क्लोज नहीं हुआ है, ये कार्डिक स्पिनिस्टर फुली क्लोज नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स थोड़ा सा ये अभी क्या है, ये कंप्लीटली बंद नहीं हुआ है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे यहां से जो ये एसिडिक फूड है, क्योंकि अंदर जो फूड के साथ कौन मिलेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टॉमक में निकलता है, वो फूड के साथ मिलेगा, और अगर ये स्पिनिस्टर कंप्लीटली ये बंद नहीं हुआ है, ये थोड़ा बहुत ओपन है, तो यहां से ये जो काइमिक फूड है, काइमिक फूड वहां कहां जाएगा, टुवर्ड्स द ओसोफेगस जाएगा, तो दैट मींस यहां से बैक फ्लो ऑफ फूड हो रहा है कहां की ओर, ओसोफेगस की ओर। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्डियक स्पिनिस्टर है ये कंप्लीटली शट नहीं हुई है, ये कंप्लीटली यहां पर बंद नहीं हुई है, ठीक है, ये ओपन ओपन है, ये लूजली है, यहाँ पर लूजली ये बंदी है, तो दैट मीन्स ये कंप्लीटली कंप्लीटली बंद नहीं हुई है, तो उस इनकम्प्लीट बाइंडनेस से क्या हो जाएगा, ये जो काइमिक फूड है, काइमिक फूड वापस चला जाएगा इंट द ओसोफाइगस, और काइमिक फूड मीन्स एसिडिक फूड, उसमें एसियल होता है, एसियल एक एसिड है, तो जो ही ये काइमिक फूड ओसोफाइगस में चला जाता है, तो ओसोफाइगस की जो लाइनिंग है, जो उनकी वाल्स है, वाल्स पर उसके सेल्स होते हैं ओसोफाइगस की, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओसोफेगस, ओसोफेगस की लाइनिंग पर जो इसका एपिथेलियम है, अंदर जो लाइनिंग होती है वहां पर सेल्स लगी होती है। अगर अब ये एसिडिक फूड कहाँ चला गया, ओसोफेगस में चला गया, तो ये काइमिक फूड जब ओसोफेगस में चला गया तो वहां पर ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जैसे किसी को लगता है कि मेरा गला जल रहा है, तो उसको टाइप ऑफ वो हिकिप आ रहा है, तो उसके साथ वो काइमिक फूड उसके ओसोफेगस में आ रहा है, तो उससे क्या हो रही है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है ओसोफेगस में। क्यों बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि एचसीएल किन पर गिरता है, एचसीएल इन ओसोफेगस की सेल्स पर गिरता है, उससे वो बर्न हो जाती है, और उस बर्निंग सेंसेशन को हम हार्ट बर्न कहते हैं, दैट बर्निंग सेंसेशन इज नोन एज हार्ट बर्न। और ये हार्ट बर्न कैसे हुआ, बाय बैक फ्लोइंग ऑफ ब्लड, बाय बैक फ्लोइंग ऑफ फूड, जो ये काइमिक फूड है, काइमिक फूड बैक फ्लो हो गया टुवर्ड्स द, वापस चला गया ये बैक फ्लो हो गया किसका, फूड का, काइमिक फूड का बैक इनटू द ओसोफेगस, एंड दैट बैक फ्लोइंग ऑफ फूड इनटू द ओसोफेगस दैट इज नोन एज रिगरगटेशन ऑफ फूड, उसको हम रिगरगटेशन कहते हैं। तो व्हाट इज रिगरगटेशन, यहां पर मैं लिख डालूंगा रिगरगटेशन क्या है, रिगरगटेशन, रिगरगटेशन, तो रिगरगटेशन मीन्स बैक फ्लो ऑफ फूड, काइमिक फूड, बैक फ्लो ऑफ
काइमिक फूड, बैक फ्लो ऑफ काइमिक फूड इंट द ओसोफेगस, और जो ये बैक फ्लो ऑफ काइमिक फूड इंट द ओसोफेगस हो रहा है, दैट इज नोन एज रिगरगटेशन, और इस रिगरगटेशन से काइमिक फूड जब वापस चला गया ओसोफेगस में, इट विल प्रोड्यूस हार्ट बर्न. व्हाट इज हार्ट बर्न? इट इज अ बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि ये HCl इसमें होता है तो उससे बर्न हो जाती है ओसोफेगल की, ओसोफेगस जो वॉल्स है उनकी सेल्स, सेल्स जो वॉल्स पर होती है वो बर्न हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं हार्ट बर्न. तो रिगरगटेशन जब होती है तो उससे प्रोड्यूस होता है हार्ट बर्न. आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, तो चलिए ये तो पार्ट्स हो गए किसके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टोमक. कार्डियक पार्ट भी हो गया, पाइलोरिक पार्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिया, एंटर भी मैंने आपको पढ़ा दिया. बॉडी क्या होती है? बॉडी मेन पार्ट होती है, मेन पार्ट जो भी फूड की मैकेनिकल चर्निंग जो होती है वो मेन पार्ट ऑफ द बॉडी में ही होती है. मेन पार्ट ऑफ द बॉडी में ही मैकेनिकल मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन होती है फूड की, मैकेनिकल डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है, वो बॉडी पार्ट में ही होती है. ठीक है, और फंडस क्या है? देखो फंडस ये डूम शेप्ड एरिया होता है, फूड यहाँ तक नहीं आता है, फूड यहाँ तक नहीं जाएगा, ये थोड़ा बहुत खाली ही रहता है. ठीक है, इसमें कुछ गैसेस भी जमा होते हैं, और ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर इस फंडस, देखो अभी हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है वो फंडस रीजन में प्रेजेंट होता है. मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड जो भी प्रेजेंट होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होता है? फंडस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और ये डूम शेपर्ड एरिया होता है, और इसमें थोड़े बहुत से गैस ड्यूरिंग द केमिकल डाइजेशन थोड़े बहुत से गैसेस इवॉल्व हो जाते हैं, वो फंडस रीजन में चले जाते हैं. तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया, पार्ट्स ऑफ द स्टोमक आपको क्लियर हो गए हैं. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. डायग्राम्स हम ऐसे ही रखेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड. अब देखो यहां पर अब हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, या पहले मैं हिस्टोलॉजी की बात करता हूं, स्टोमक की हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी पर मैं हिस्टोलॉजी ऑफ गट भी मुझे पढ़ाना है, तो वो अलग से मैं पढ़ाऊंगा, उस टाइम मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा थोड़ा सा हिस्टोलॉजी. ठीक है, दैट मींस इसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं, ये जो हमारा गट हेरमेटिक कैनाल है इसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं, तो दैट मींस हिस्टोलॉजी कौन कौन से टिश्यूज की लेयर इसमें होती है, वो मैं अलग से एक लेक्चर लाऊंगा. ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो आएगा, आई थिंक वो दो चार दिन के बाद आएगा, जब हम ये पहले ये डाइजेशन खत्म कर देंगे, उसके बाद में हिस्टोलॉजी उसके बाद लेक्चर लाऊंगा. तो अभी मैं हिस्टोलॉजी थोड़ा सा बोल रहा हूँ किसका, स्टोमक, लेकिन ऊपर से ही मैं बोलूंगा, ऊपर से ही मैं बोलूंगा, सो दैट यू कैन गेट आइडिया थोड़ा सा मिल जाए आपको. हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक, तो स्टोमक की हिस्टोलॉजी हम पढ़ेंगे यहाँ पर. तो स्टोमक की हिस्टोलॉजी देखो क्या है, जो आउटर लेयर होती है स्टोमक की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये स्टोमक है, स्टोमक की जो आउटर लेयर होती है, स्टोमक में बहुत सारी लेयर्स होती है, तो ये स्टोमक की आउटर लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज सिरस लेयर. तो आउटर लेयर इज नोन एज सिरस लेयर. तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक, तो आउटर लेयर इज नोन एज सिरस. तो सिरस लेयर क्या है? इट्स एन आउटर लेयर ऑफ स्टोमक. तो बाहर के स्टोमक के बाहर से जो लेयर होते हैं दैट इज नोन एज आउटर लेयर और सिरस लेयर. और इस ये बनी होती है पेरिटोनियम, एक मेम्ब्रेन की बनी होती है पेरिटोनियम. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियम. तो सिरस लेयर जो होती है इट इज आउटर लेयर इस स्टोमक की, एंड इट इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियम. ठीक है, पेरिटोनियम है. उसके बाद आता है मस्कुलर्स, तो जो उसके बाद अंदर की लेयर होती है सिरस लेयर के अंदर की ओर टुवर्ड्स द इनसाइड एक और लेयर होती है, दैट लेयर इज नोन एज मस्कुलर्स. और मस्कुलर्स लेयर में होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल. तो पहले आउटसाइड क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऐसे होती है. उसके बाद सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल्स आप मैं गोल गोल दिखाऊंगा, सर्कुलर मसल्स ऐसे होती है. अब ऐसे नहीं होता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर सर्कल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ आए कि सर्कल का मतलब हो गया सर्कुलर मसल्स, और ये मैंने जो ऐसे ऐसे थ्रेड्स बनाए इनका मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखो हमारी गट या हमारे स्टोमक में बाहर की लेयर क्या है, सिरस लेयर. सिरस लेयर किसकी बनी होती है, पेरिटोनियम की, एक मेम्ब्रेन की बनी होती है.
उसके अंदर जो सिरस लेयर के अंदर की लेयर होती है, दैट मीन्स सिरस लेयर, देखो ये बाहर की लेयर है सिरस, और इसके अंदर की लेयर कौन है, मस्कुलरिस। तो ये सिरस लेयर थी और ये वाली है मस्कुलरिस, ठीक है, मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस जो है, मस्कुलरिस लेयर जो है, मस्कुलरिस लेयर में क्या है, आउटर साइड से कौन है, मस्कुलरिस के आउटर साइड कौन है, लॉन्गिट्यूडनल, इनसाइड कौन है, इनर सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इनसाइड सर्कुलर मसल्स होती है। वाइल एज अगर हम इनवर्टेब्रेट्स की बात करें, या जो हमने अभी तक पढ़े हैं इनवर्टेब्रेट्स, उनमें क्या था, उनमें सर्कुलर मसल्स बाहर की तरफ होते हैं लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अंदर की तरफ होती है। तो हमें हमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल बाहर की तरफ है, सर्कुलर मसल्स अंदर की तरफ है, उसके बाद ओब्लीक मसल्स, ऐसे ऐसे ओब्लीक मसल्स होती है, दिस आर नोन एज ओब्लीक मसल्स। तो ये होगी कौन सी लेयर, दिस लेयर इज नोन एज मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के बाद कौन सी लेयर होती है, दैट इज सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा को मैं ऐसे दिखाऊंगा, दिस इज नोन एज सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा एक ऐसी लेयर होती है जहां पर ब्लड वेसल्स, जहां पर नर्वस, जिनको हम मेजारियन प्लेक्सिस, वो नर्वस क्या बनाती है, वो एक कॉम्प्लेक्स सा बनाती है, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज मेजारियन प्लेक्सिस। तो ये जो सब म्यूकोसल लेयर है, सब म्यूकोसल लेयर, तो सब म्यूकोसल लेयर में क्या होता है, सब म्यूकोसल लेयर पहली लेयर है सिरस, दूसरी है मस्कुलरिस, आउटर साइड से मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर में क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर, इनर सर्कुलर मसल्स। उसके बाद जो तीसरी लेयर है, दैट इज सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसल लेयर। तो सब म्यूकोसल लेयर क्या है, सब म्यूकोसल लेयर बड़ी सॉफ्ट लेयर होती है, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, इसमें नर्वस होती है, ठीक है, और नर्वस क्या बनाती है, मिजरिन, मिजरिन प्लेक्सिस, ठीक है। तो नर्वस और लिम्फ वेसल्स इसमें होती है, लिम्फ वेसल्स। तो ये होगी सब म्यूकोसल लेयर। तीन लेयर्स आ गई, सिरोसल लेयर, मस्कुलरिस लेयर और सब म्यूकोसल लेयर। और अंदर की लेयर, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, अंदर की लेयर है, दैट इज म्यूकोसा। तो म्यूकोसल लेयर सबसे अंदर की लेयर होनी है, इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज म्यूकोसा, म्यूकोसा को हम इनर मोस्ट लेयर कहते हैं। तो ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज म्यूकोसल लेयर। तो अंदर की लेयर है म्यूकोसल लेयर, और म्यूकोसल लेयर कभी कभार ऐसे फोल्ड्स में होती है, स्टोमक के अंदर म्यूकोसल लेयर के फोल्ड्स बने होते हैं। इस म्यूकोसल, जो ये म्यूकोसल लेयर है, सॉफ्ट लेयर होती है और ये इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड होती है स्टोमक में। तो जो इनर लेयर है, ये है इनर लेयर, इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, इनर लेयर को हम म्यूकोसल लेयर कहते हैं, और ये म्यूकोसल लेयर इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स होती है, और इन फोल्ड्स को हम र्यूगेज कहते हैं, ठीक है, दिस फोल्ड्स आर नोन एज र्यूगेज। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखोगे स्टोमक में, तो फिर जब आप देखोगे जो इनर लेयर होती है, तो इनर इंटरनली ये ऐसे दिखता है, इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स। तो दीज फोल्ड्स आर नोन एज, दीज फोल्ड्स आर नोन एज र्यूगेज। इन फोल्ड्स को जो ये म्यूकोसल लेयर के फोल्ड्स है, म्यूकोसल लेयर फोल्ड्स में बटी है, एंड दीज, तो यहां पर लिखूंगा मैं, दिस इज म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर सबसे अंदरूनी लेयर होती है, ये इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स होती है, एंड दीज फोल्ड्स आर नोन एज र्यूगे। तो व्हाट आर र्यूगेज, दीज आर सिंपली द फोल्ड्स, म्यूकोसल मेम्ब्रेन के, म्यूकोसल लेयर के फोल्ड्स होते हैं, और यही म्यूकोसल लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो म्यूकोसल लेयर कंटेन्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो म्यूकोसल लेयर में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसल लेयर। देखो म्यूकोसल लेयर में यहां पर लिख डालूंगा, म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लेयर क्या है, इट इज इनर मोस्ट लेयर, ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टोमक, इट कंटेन्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ र्यूगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड, दैट इज नोन एज र्यूगे। और इसमें क्या होते हैं, इट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है। और यही देखो, हम कहते हैं ना कि जो स्टोमक की लाइनिंग जो होती है वो म्यूकोसल लाइनिंग होती है, तो
तो म्यूकोसल लाइनिंग मीन्स ये म्यूकोसल लेयर होता है, इसमें म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होती है। इस म्यूकोसल लेयर में कौन सी सेल्स होती है? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स। और जब ये म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स म्यूकस डालती है तब जाके ये जो है ना ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो जब इस एचसीएल इस पर पड़ेगा तो वो इस प्रोटेक्टिव लेयर को पेंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें म्यूकस में म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होती है, वो म्यूकस डालती है और म्यूकस क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है अंदर की ओर से, और स्टोमक के अंदर की ओर से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। इसीलिए ये एचसीएल से स्टोमक डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कभी कभार क्या हो गया, कभी कभार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। एक बैक्टीरिया है, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज एच पाइलोरी। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये कभी कभार क्या करता है, ये अल्सरेशन करता है। अल्सरेशन मीन्स देखो, एच पाइलोरी बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन बनाता है इनसाइड द स्टोमक, और जब बहुत ज्यादा, जब नॉर्मल कभी होता ही नहीं है ये, ठीक है, इस पर्सन का स्टोमक कभी नॉर्मल ही नहीं होता है अगर इस बैक्टीरिया ने इस पर अटैक किया, तो इसमें ऑलवेज क्या होती है, एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। तो अगर कंटिन्यूस एसिडिटी होगी स्टोमक में, दैट विल लेट द कट्स, ये कट हो जाता है, ये म्यूकोसल लेयर कट हो जाती है, इस पर कट्स पड़ जाते हैं, और जब ये इस पर कट्स पड़ गए तो उसको हम कहते हैं अल्सरेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, द कट्स ऑन द स्टोमक वॉल जो होती है इनर साइड से जो म्यूकोसल लेयर होती है, अगर उस पर कट्स आ गए ड्यू टू द हाई एसिडिटी कॉज्ड बाय द एच पाइलोरी बैक्टीरिया, हाई एसिडिटी कॉज्ड बाय द एच पाइलोरी बैक्टीरिया, उससे कट्स पड़ जाते हैं, इस म्यूकोसल लेयर पर कट्स पड़ जाते हैं, और उन कट्स को हम अल्सरेशन कहते हैं, जिसको हम सिंपली कहते हैं कि इस बंदे को अल्सर हो गया। अल्सर मीन्स कि इसका जो गट है, इसकी गट में कट्स लगे हैं, जो म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोसल लेयर क्या हो गई है, उसमें कट्स लगे हैं। फिर इसका एक फैक्टर है बैक्टीरिया भी, सिट्रस भी है, बहुत सारे हैं, स्मोकिंग भी है। तो ये तो हो गया। हिस्टोलॉजी में हमने पढ़ा कि जो स्टोमक है, स्टोमक बना है किन लेयर्स का, सिरस लेयर, आउटर साइड लेयर होती है, ये बनी होती है पेरिटोनियम की। उसके बाद अंदर की ओर कौन सी लेयर होती है, मस्कुलर लेयर जो है ये जो बाहर की जानिब से दूसरी वाली लेयर है। तो बाहर की लेयर होगी सिरोसा, उसके बाद जो अंदर की लेयर है उसके बाद होगी मस्कुलर लेयर में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आउटसाइड होते हैं, सर्कुलर मसल्स इनसाइड होते हैं। उसके बाद आती है सब म्यूकोसल लेयर। तो सब म्यूकोसल लेयर जो है इसमें खाली ब्लड वेसल्स होती है, नर्वस होती है, लिम्फ वेसल्स होती है। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज म्यूकोसल लेयर, और म्यूकोसल लेयर जो होती है स्टोमक में, जो म्यूकोसल लेयर होती है जो मैंने आपको दिखाई, ये इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स होते हैं, और उन फोल्ड्स का हम र्यूगे कहते हैं, और इन इसी म्यूकोसल लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, यहां तक चलिए। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है हिस्टोलॉजी। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अवर ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अब हम पढ़ने जाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की फिगर मैंने यहां पर बना दी है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जरा मैं देखूं टाइम कितना हो गया, इट इज 53 मिनट्स, स्टिल वी हैव टाइम, अभी हमारे पास टाइम है, तो देखेंगे इन 5-10 मिनट में अगर 1 आवर 10 मिनट्स भी हो जाएंगे तो वी विल फिनिश इट। अब इसका काम तो हो गया देखो, लेकिन इसका काम थोड़ा सा अभी इस फिगर का रह गया, तो बस उसको मैं खत्म कर दे रहा हूं। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच आर फाउंड इन द स्टोमक। तो स्टोमक में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उन ग्लैंड्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जरा किस लेयर में पाए जाते हैं, ये म्यूकोसल लेयर में पाए जाते हैं, स्टोमक के म्यूकोसल लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसे होते हैं, और इनकी जो ओपनिंग होती है ना, इनकी ओपनिंग को हम गैस्ट्रिक पिट कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट। तो गैस्ट्रिक पिट फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई ग्लैंड है यहां पर, तो ग्लैंड की जो ओपनिंग होगी तो दैट ओपनिंग इज नोन एज गैस्ट्रिक पिट। टेब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, इनकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। और देखो सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं फंडस रीजन, उनको हम फंडिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हमने अपॉन द लोकेशन डिवाइड किया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर डिवाइडेड, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन,
तो गैस्ट ग्लैंड्स होता है टेबुलर ग्लैंड्स, लेकिन इन गैस्ट ग्लैंड्स को हमने, इन टेबुलर ग्लैंड्स को हमने बेस्ड अपॉन द लोकेशन की किस लोकेशन पर गैस्ट ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं, तो उन्हीं लोकेशन पर हमने इसको नाम दिया। क्या क्या नाम दिया हमने? हमने कहा कि फंड ग्लैंड्स। तो फंड ग्लैंड्स वो वाले गैस्ट ग्लैंड्स हो गए, विच आर फाउंड इन द फंडस रीजन। तो मोस्ट ऑफ द गैस्ट ग्लैंड्स आर फाउंड इन फंडस, मोस्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो मोस्ट ऑफ द गैस्ट ग्लैंड्स कहां पर पाए जाते हैं? इन फंडस रीजन। मोस्ट ऑफ द गैस्ट ग्लैंड्स आर फाउंड इन फंडस। इसी डूम शेपर्ड एरिया में सबसे ज्यादा गैस्ट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और जो गैस्ट ग्लैंड्स कार्डियक पार्ट में पाए जाते हैं, दोज गैस्ट ग्लैंड्स आर नोन एज कार्डियक ग्लैंड्स। तो व्हाट आर कार्डियक ग्लैंड्स? द ग्लैंड्स व्हिच आर फाउंड इन कार्डियक रीजन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच आर फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच आर फाउंड इन कार्डियक पार्ट व्हिच आर फाउंड इन कार्डियक पार्ट व्हिच आर फाउंड इन कार्डियक पार्ट। तो कार्डियक पार्ट में जो ग्लैंड्स फाउंड होते हैं उनको हम कार्डियक ग्लैंड्स कहते हैं। और जो फंडिक ग्लैंड्स वो हो गए जो वो गैस्ट ग्लैंड जो फंडस रीजन में पाए जाते हैं। और एक और गैस्ट ग्लैंड है, दैट इज पाइलोरिक ग्लैंड्स। तो पाइलोरिक ग्लैंड्स, तो पाइलोरिक ग्लैंड्स वो वाले गैस्ट ग्लैंड्स हो गए जो कहां पाए जाते हैं? जो पाइलोरस में पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन पाइलोरस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच आर फाउंड इन पाइलोरस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन पाइलोरस रीजन, पाइलोरिक रीजन। तो जो पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनको हम पाइलोरिक ग्लैंड्स कहते हैं। याद है, क्लियर है? तो चलिए जी, अब तो इस फिगर का हो गया काम। अब इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है हमें, अब खाली हमें इस वाली फिगर से मतलब है। तो ये हमारे पास एक टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड है। दिस इज द फिगर ऑफ अ टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब देखो, ये ट्यूब लाइक है, मैंने पहले ही कहा ये ट्यूब लाइक है, लेकिन इनकी जो ओपनिंग होती है, द ओपनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक पिट। तो गैस्ट्रिक पिट क्या है? गैस्ट्रिक पिट क्या है? दिस इज द ओपनिंग। इसको मैं ओपनिंग लिखूंगा, ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग को हम गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। अब देखो, यहीं से सेल्स लाइन है, यहीं से सेल्स लाइन है। तो ये जो ऊपर ऊपर की सेल्स है, ये देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड के तीन पार्ट्स होते हैं। दिस इज नेक, ठीक है, ये नेक हो गया इसका, ये इसकी दैट मींस ये नेक है और ये इसकी बॉडी होगी, ठीक है, ये इसकी बॉडी होगी, नेक बॉडी, और दिस इज इसको आप हेड ही कहो, ठीक है। तो ये जो नेक रीजन पर जो ये सेल्स है ना, इन सेल्स को हम म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स कहते हैं। तो नेक रीजन में कौन सी सेल्स होती है? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स। तो म्यूकस नेक सेल्स जो होती है गैस्ट ग्लैंड की, जो नेक सेल्स होती है उनको हम म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स कहते हैं। तो यहां से म्यूकस निकलता है, ठीक है, दे विल सेक्रेट द म्यूकस। और उसके बाद ये देखिए आप, यहां पर कुछ इलोंगेटेड सेल्स हैं, ऐसे ऐसे सेल्स हैं यहां पर, तो इन सेल्स को हम चीफ सेल्स कहते हैं, दे आर नोन एज चीफ सेल्स। तो चीफ सेल्स और पेप्सिनोजेनिक सेल्स, पेप्सिनोजेनिक सेल्स, पेप्सिनोजेनिक सेल्स भी हम इनको कहते हैं। चीफ सेल्स आप इनको कहो या पेप्सिनोजेनिक सेल्स इनको कहो। अब देखो, क्यों इनको चीफ सेल्स कहा जाता है, क्यों इनको, या इनको पेप्सिनोजेनिक सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेन सेल्स हैं। इन चीफ सेल्स से, देखो चीफ सेल्स होगी तो चीफ सेल्स क्या क्या करती है? म्यूकस कौन सेक्रेट करती है? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, दे सेक्रेट द म्यूकस। जो नेक्स्ट सेल्स होती है आप द गैस्ट्रिक ग्लैंड, दे विल सेक्रेट द म्यूकस, उनको हम म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स कहते हैं। और उसके बाद चीफ सेल्स है जिनको हम पेप्सिनोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। और ये क्या क्या डालती है? दे विल सेक्रेट पेप्सिनोजेन, इनएक्टिव एंजाइम, पेप्सिनोजेन, ये एक जाइमोजेन है, इनएक्टिव एंजाइम है, एंड प्रोरेनिन, दे विल सेक्रेट प्रोरेनिन, दे विल सेक्रेट ग्लैटिनेस एंजाइम, दे विल सेक्रेट यूरेस एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम्स कौन सेक्रेट करते हैं? चीफ सेल्स और पेप्सिनोजेनिक सेल्स। तो पेप्सिनोजेनिक सेल्स विल सेक्रेट द पेप्सिनोजेन, दे विल सेक्रेट द प्रोरेनिन, दे विल सेक्रेट द ग्लैटिनेस, दे विल सेक्रेट यूरेस, एंड दे विल सेक्रेट द लाइपेस, लाइपेस। तो ये वाले एंजाइम्स कहां से आते हैं? चीफ सेल से।
इसीलिए हम इसको चीप सेल कहते हैं कि मेन ऑफ द एंजाइम्स कहां से आते हैं, वो चीप सेल से ही आते हैं, बहुत सारे एंजाइम चीप सेल से आते हैं। तो उसके बाद है ल्यूमेन। देखो ल्यूमेन क्या है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का अंदर की जो खाली, अंदर से ये खाली होता है, ठीक है, इसकी इसके बॉर्डर्स, इसकी लाइनिंग जो होती है वो सेल्स की होती है, लेकिन अंदर से बीच में ये खाली होता है, तो खाली वाले पार्ट को हम ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर कुछ अजीब अजीब गरीब सी सेल्स हैं, ऐसे ऐसे सेल्स, ऐसे सेल्स। अब इन सेल्स जो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऐसे ऐसे सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज पैराइटल सेल्स, और इनको हम ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहते हैं, PARITL, पैराइटल सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स। और ये जो सेल्स है, दीज आर द सेल्स विच सेक्रेट HCL, ये तो HCL डालती है, और दे विल सेक्रेट कैस्टल फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर और कैस्टल फैक्टर, फैक्टर इंट्रेंसिक जो विटामिन B12, हाँ, जो कैस्टल इंट्रेंसिक कैस्टल फैक्टर होता है वो कौन सेक्रेट करती है, पैराइटल सेल्स और तो ऑक्सेंटिक सेल्स जिनको हम कहते हैं। तो ये HCL और कैस्टल, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए लगता है, तो कैस्टल फैक्टर और HCL कहां से आता है, पैराइटल सेल्स से आता है। तो ये चीजें आप याद रखोगे, पैराइटल सेल्स से क्या आता है, पैराइटल सेल्स से HCL और कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर आता है। अब देखो यहां पर एक और सेल होती है टुवर्ड्स द बेस, यहां पर एक और सेल होती है, दैट इज नोन एज जी सेल, जी सेल है, ई सेल है, और ECL सेल्स होती है, ECL सेल्स, ECL। देखो ये तीन सेल्स क्या है, ये तीन सेल्स क्या है, ईसी, एक तो जी सेल है, जी सेल, उसके बाद है ईसी सेल, और एक सेल होती है दैट इज नोन एज ECL सेल। इनको हम एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं, दीज आर नोन एज एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स। तो एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स वो सेल्स होती है विच विल सेक्रेट हार्मोन, हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स। तो इस ग्लैंड में कुछ ऐसी सेल्स होती है जो हार्मोन्स को सेक्रेट करती है, उन हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स को क्या कहते हैं हम, एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स। तो एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स कौन कौन सी सेल, एंटीरियो एंडोक्राइन सेल है, जी सेल है, तो जी सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रिन, तो जी सेल विल सेक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि गैस्ट्रिन से HCL की स्टिमुलेशन होती है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय जी सेल। ईसी सेल को हम एंटीरियो क्रोमैफिन सेल कहते हैं या अर्जेंटाफिन सेल्स भी हम इनको कहते हैं। तो एंटीरियो ई सेल, एंटीरियो क्रोमैफिन सेल, ई सेल इज नोन एज एंटीरियो क्रोमैफिन सेल, एंटीरियो क्रोमैफिन सेल हम इसको कहते हैं। तो एंटीरियो क्रोमैफिन सेल इट विल सेक्रेट सेरोटोनिन, सेरोटोनिन एक एंटी एनेक्सिटी एक ड्रग भी हम लेते हैं, एंड इट इज ए हार्मोन, ये क्या है बेसिकली हार्मोन है, ये वासोकंस्ट्रिक्टर है, तो ये सेक्रेट करती है सेरोटोनिन, दे विल सेक्रेट सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन क्या करता है वासोकंस्ट्रिक्शन, वासोकंस्ट्रिक्शन ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को ये क्या करता है कम कर देता है, तो वासोकंस्ट्रिक्टर है सेरोटोनिन। उसके बाद है एक और सेल यहां पर ECL, ECL को भी हम कहते हैं एंटीरियो क्रोमैफिन लाइक सेल, एंटीरियो क्रोमैफिन लाइक सेल, एंड इट विल सेक्रेट अ हार्मोन नोन एज हिस्टामाइन, हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन आपको पता है हिस्टामाइन क्या करता है, एक तो ये मैसेंजर, ये एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, अगर एक सेल इन्फेक्ट हो जाएगा तो इन्फेक्टेड सेल बाकी सेल उसको क्या करती है, बाकी सेल को कन्वे करती है, कैसे कन्वे इनको करती है, बाय सेक्रेट द हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी एक्ट करता है, और हिस्टामाइन करता क्या है, इसकी फंक्शन है इट्स अ वासोडायलेटर, वासोडायलेटर, ये ब्लड वेसल के डायमीटर को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस ब्लड वेसल डायमीटर, इंक्रीजेस ब्लड वेसल डायमीटर। वासोकंस्ट्रिक्टर हो गया जो डिक्रीज करता है ब्लड वेसल का डायमीटर, वासोडायलेटर हो गया जो ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज करता है, ठीक है। ये तीन हार्मोन्स हो गए, तो इनको हम एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। तो दैट मींस सारा जो सारी फंक्शन, जो सारी सेक्रीशन जो निकलती है वो गैस्ट्रिक पिट से निकलती है, और उन सारी सेक्रीशंस को हम मिक्सड सेक्रीशंस जो होती है, इसमें हार्मोन्स भी होते हैं, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, तो उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस।
और ये जो सारे जो अंदर जो देखो HCl की प्रेजेंस से जो एनवायरमेंट होता है इनसाइड द स्टोमक दैट एनवायरमेंट इज हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है 0.9 to 2 pH, पीएच होता है 0.9 से लेकर 2 पीएच इनसाइड द स्टोमक होता है, हाईली एसिडिक पीएच होता है। तो ये तो यहां तक ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल से कौन सा क्या चीजें निकलती है वो हमने पढ़ दिया। 1 hour and 5 minutes, we will take 2-3 minutes more and we will finish this। देखो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन ये कहां से निकलता है चीफ सेल्स विल सेक्रेट पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन क्या करता है, इट इज एन इनएक्टिव एंजाइम, और पेप्सिनोजन को एक्टिव एंजाइम में कौन कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन, पेप्सिन इज एन एक्टिव फॉर्म, और इस पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा, HCl, HCl helps पेप्सिनोजिन टू गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिनोजिन। तो दिस वाज इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म थी, अब ये होगी एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है, और पेप्सिन करता क्या है काम, पेप्सिन विल कन्वर्ट प्रोटीन्स, इट विल कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू peptones and peptides, peptones and peptides, so that means ye ek protein digesting enzyme, it will convert the proteins into peptones and peptides, ye proteins ko peptones aur peptides mein convert karega, uske baad hai prorenin kya karta hai, ye bhi inactive enzyme hai isko, lekin is prorenin ko HCl activate nahi karta hai, isko pepsino, isko ab pepsinogen activate karega, pepsin ab isko activate karega। तो पेप्सिन यहां पर आता है, पेप्सिन ने इसको कन्वर्ट किया, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया, और रेनिन क्या करता है, ये मिलिक प्रोटीन कैसन को पैराकैसनेट में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स मिलिक प्रोटीन, ये मिलिक प्रोटीन कर्डलिंग ऑफ मिलिक में ये मदद करता है, और इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स, मिलिक प्रोटीन दैट मीन्स कैसन को ये पैराकैसनेट में कन्वर्ट करता है, पैराकैसनेट में कन्वर्ट करता है। तो दैट मीन जो बच्चों में जो कर्डलिंग ऑफ मिलिक होती है दैट इज डन बाय द प्रोरेन, मिलिक प्रोटीन कैसनेट टू पैराकैसनेट, तो मैं यहां पर लिखूंगा कर्डलिंग ऑफ मिलिक, तो कर्डलिंग ऑफ मिलिक कौन करता है, प्रोरेन, ठीक है, या पेप्सिनोजिन भी करता है कर्डलिंग ऑफ मिलिक। उसके बाद एक और एंजाइम हमने पढ़ा है यहां पर, दैट इज ग्लैटिनेस, ग्लैटिनेस, अब ग्लैटिनेस क्या करता है, ये भी चीप सेल से ही निकलता है, पहले मैं चीप सेल्स के एंजाइम ले रहा हूं, तो ग्लैटिनेस करता क्या है, ये टाइप 4th और 5th कोलेजन, ये कोलेजन को कन्वर्ट करता है, कोलेजन किसमें होता है, टाइप 4th और 5th कोलेजन किसमें होता है, इट्स अ प्रोटियोग्लाइकन होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटियोग्लाइकन होता है, ये ग्लूकोज और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होती है, और ये प्रेजेंट होता है इन मीट, ये मीट में प्रेजेंट होता है, और इसको कन्वर्ट कौन करता है, ग्लैटिनेस, इट विल कन्वर्ट द कोलेजन इनटू, ये कोलेजन को लास्ट में अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ग्लैटिनेस, ये भी चीफ सेल से ही आता है, और उसके बाद है इंटर, इसके बाद है गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज भी यहीं से आता है, चीफ सेल से, लाइपेज ये क्या है, ये लिपोलाइटिक एंजाइम है, ये लिपिड्स का ब्रेक डाउन करता है, लिपोलाइटिक एंजाइम है, इट्स अ लिपोलाइटिक एंजाइम, लिपोलाइटिक एंजाइम वो एंजाइम्स हो गए जो लिपिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये लिपिड्स को किसमें कन्वर्ट करेगा, इट विल कन्वर्ट द ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड्स सिंपली इनटू किसमें कन्वर्ट करेगा, इनटू फैटी एसिड्स, लेकिन इसकी एक्टिविटी बहुत कम हमें देखने को मिलती है इसमें, इसमें स्टोमक, ठीक है, लिपिड्स को ये कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल। और उसके बाद है यूरेस, एक और एंजाइम जो निकलता है कहां से, यूरेस, यूरेस भी निकलता है फ्रॉम द चीप सेल्स, और यूरेस क्या करता है, इट विल कन्वर्ट द यूरिया इनटू अमोनिया, कन्वर्ट्स द यूरिया इनटू अमोनिया, ठीक है, यहां तक हो गया ये। उसके बाद HCl आपको पता ही है, HCl क्या करता है, एक तो वो बैक्टीरियोलाइटिक है, HCl एक तो ये एसिडिक कंडीशन मेंटेन करता है, एसिडिक मीडियम इन इन स्टोमक, इट मेंटेन्स द एसिडिक मीडियम इन स्टोमक, और दूसरा क्या करता है, इट इज हैविंग बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी,
bacteriolytic activity. Bacteriolytic activity means it will kill the bacteria. Killing a bacteria होती है इससे. Killing a bacteria. और activation. ये pro enzymes को active enzymes करता है. Activation of pepsinogen. Pepsinogen को ये activate करता है. ठीक है? और ये fats के digestion में भी मदद करता है. It's 1 hour and 10 minutes. Oh God. अब देखो gastrin क्या करता है. Gastrin E cell से निकलता है. ये G cell से निकलता है. और gastrin एक hormone है. Gastrin क्या करता है? Stimulate करता है. Stimulates HCl secretion. HCl की secretion को stimulate करता है. तो अभी बहुत कुछ इसमें था, but we will finish it here क्योंकि टाइम बहुत हो गया है. तो चलिए, ये तो आज हो गया कंप्लीट हमारा. मोस्टली हमारा कंप्लीट हो गया स्टॉमक सारा कंप्लीट है. अब थोड़ा जो भी कुछ रह गया है, आई विल कवर अप दैट थिंग इन द अनदर वीडियो लेक्चर. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.